हेलो एवरीवन, दो क्लासे कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। मुझे लग नहीं रहा था कि दो क्लासे कर पाऊंगा, लेकिन दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं मनोज प्रधान आपकी अपनी यूट्यूब वीडियो के थर्ड क्लास में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने पहली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा की तरह कि पहले वो पहली दोनों वीडियो देखें, उसके बाद थर्ड वीडियो देखें। उसमें हमने नंबर्स पढ़े हैं, बेसिक पढ़े हैं, नंबर्स कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप पहली दोनों वीडियो देखोगे तो कोई भी एग्जाम देने जाओगे कम से कम एक से दो क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे। आज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम एक शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे और इस शॉर्ट वीडियो में फास्ट सारे सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हमें आने वाले चैप्टर में काम आएंगे, जो कि है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के फॉर्मूला की क्लास देंगे, 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि कितनी बढ़ जाती है क्लास, कई बार पढ़ाते पढ़ाते क्लास बढ़ जाती है। चलो देखिए, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, नोट करो जल्दी से जरा। नोट कर लिया, देखिए तो दो बेसिक फॉर्मूले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a b, a प्लस बी की a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ऐसी a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फॉर्मूले से हम कई और फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो नोट पे, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इधर तो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, और ये कट जाएगा इससे तो दो आ जाएगा कॉमन, यानी कि हो जाएगा a सॉरी टू टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सबको? कहाँ यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले को वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे, अभी हमें फॉर्मूले नोट करने हैं। और नोट करके कोशिश करना इन फॉर्मूलाज को एक दो तीन जगहों पर लिखने की, जैसे जो भी कॉपी बनाओगे उसके फर्स्ट पेज पे इसको लिख लेना, या फिर एक काम कर सकते हो आप। वैसे मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन सी कॉपीज बनानी है, अभी एक काम करना कि जो भी कॉपी बनाई है उस पर लिख लो, साथ में एक पतली सी कॉपी बना लेना, 30-40 रुपए की एक कॉपी ले लेना, 50 रुपए की एक कॉपी ले लेना, थोड़ी ठीक से पेज की, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाना। ठीक है, क्लियर? चलो, ये पहला फॉर्मूला बना, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा वो हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ सबको ऐसे ऐसे पढ़ते जाना है, बस बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाना, धीरे धीरे चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। किसी को अगर ये लग रहा हो कि मैं बहुत आसान चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ को लग रहा होगा मैं बहुत टफ चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ इन क्लासेज में भले वो उसको कुछ नहीं आता हो वो भी और सब कुछ आता हो वो भी, दोनों के लिए सारी चीजें मिलेंगी। परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है और उसमें हमेशा मैं सफल रहा हूँ तो इस बार भी सफल रहूँगी। क्लियर? देखो, जैसे हमने दोनों को ऐड किया था ऐसे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस बार ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है, टू ए बी और टू ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4ab। ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। क्लियर सबको? 4ab। चलो, इससे भी दो फॉर्मूले बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला बनेगा, हम क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और
प्लस में 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर चला गया तो 4ab और ये दोनों प्लस में आ गए, उधर क्या बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने सीक्वेंस में लिख दिया तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में जब हम 4ab ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरा बनेगा, अब हम क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab और इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूलाज कब यूज होंगे, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलाज कब यूज होंगे, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलेंगे, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, माइनस आएगा। क्लियर सबको, ठीक है, तो चलो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर एक पढ़ा हमने इससे पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पढ़ा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए बी। इसको एक ऐसे लिख लिया और एक ऐसे लिख लिया। क्लियर सबको, ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं। ठीक है, अच्छा कभी किसी ने ये बात सोची है क्या कि जब हम ये कहते हैं कि माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये सोचा है क्या कभी किसी ने, क्यों होता है ऐसा? चलो देखो बताता हूँ, इसमें लाइव क्लास होती है तो बच्चे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, चलो देखते हैं, लाइव क्लास भी लेंगे एक दिन फेसबुक पे। अभी देखो कैसे क्यों होता है, हमें इसमें से इसको घटाना है, यानी कि हमें घटाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसमें से क्या घटाना था, हमें इसे घटाना था माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट तो ऐसे खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये ब्रैकेट डायरेक्टली हट जाएगा, तो जब हम प्लस करते हैं तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये ब्रैकेट जैसे ही हम खोलेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा टू ए बी। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये कि जब हम माइनस करते हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये साइन यहाँ पे जो हम चेंज करते हैं, देखो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, टू ए बी और टू ए बी क्या हो जाएगा फोर ए बी। तो इस वाली एक्सरसाइज को हम यहीं पे कर लेते हैं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा अगर हम माइनस कर लें। चलो ऐसे ऐसी चीजें पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मैथ्स का बूस्टअप होता है, तो इन चीजों को पढ़ते रहा करो, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछा करो। अभी कमेंट में पूछो, जिनके पास नंबर है वो व्हाट्सअप करके पूछो, जिनके पास नंबर नहीं है वो यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके क्वेश्चंस पूछो, जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, क्लियर सबको, चलो नोट कर दो इसको। उसके बाद होता है ए प्लस बी और प्लस में सी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। क्लियर, चलिए नोट करिए। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक काफी होता है वैसे, लेकिन इसको तीन और तरीके से लिखा जा सकता है, वो आने वाले क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे। अभी एक तुमसे बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा तो सबके ऊपर से जाने लगेंगे, तो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है अभी हम केवल वो पढ़ते हैं। क्लियर सबको, चलिए हम पढ़ते हैं क्यूब्स। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी और विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बी और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो थ्री ए और बी स्क्वायर। क्लियर सबको, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं, थोड़ा समय बचेगा। फिर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी और विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस में थ्री ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ए की क्यूब बी की क्यूब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, माइनस में किया था प्लस। क्लियर सबको, चलिए ये भी चलो मैं एक छोटी सी चीज है, वैसे सबको आती होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती है तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, प्लस और माइनस की दो चीजें होती हैं, जैसे फाइव और थ्री है, इसके प्लस करते समय चार कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो इक्वल्स टू क्या आएगा, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में तो इक्वल्स टू क्या आएगा, पहला माइनस में दूसरा प्लस में है तो इक्वल्स टू क्या आएगा, और पहला भी माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है तो इक्वल्स टू क्या आएगा। ठीक है, वैसे तो सबको आता होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो आठ आ जाएगा, पांच में से तीन गए तो दो आ जाएगा, यहाँ माइनस दो आ जाएगा और यह माइनस आठ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, क्योंकि क्लास में पढ़ाता था तो सब काफी बच्चों के इसमें भी प्रॉब्लम होती थी, तो देखो कैसे बहुत आसानी से हम इसको, इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो अधिकतर बच्चों को आता होगा लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो दूर कर देते हैं। हमें क्या करना है, प्लस माइनस देख के घबराना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ देना है, और दोनों के साइन अलग अलग है तो घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो जोड़ दो। ठीक है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो जोड़ दो, एक प्लस एक माइनस है तो घटा दो, एक प्लस एक माइनस है तो घटा दो। कर लोगे यहां तक, अभी पूरा नहीं हुआ, देखो एक जैसे चिन्ह जोड़ लिया, अलग अलग चिन्ह घटा दिया, एक जैसे अलग अलग साइन घटा दिया, एक जैसे साइन जोड़ दिया। पहली बात समझ में आ गई, दूसरी बात अब ये समझना है कि कौन सी संख्या प्लस में आएगी और कौन सी संख्या माइनस में आएगी। तो यहां पर जो रिजल्टिंग नंबर है, जो आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर जो है, इसके साथ हमेशा वो साइन आता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो पांच और तीन में पांच बड़ी है, पांच के साथ क्या है प्लस, पांच और तीन में पांच बड़ी है, पांच के साथ क्या है प्लस, पांच और तीन में पांच बड़ी है, पांच के साथ क्या है माइनस, पांच और तीन में पांच बड़ी है, पांच के साथ क्या है माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब एक जैसे साइन है तो जोड़ेंगे, जब अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, और साइन हमेशा किसका लगाएंगे, हमेशा बड़ी संख्या का। क्लियर सबको, चलो वैसे तो सबको पता ही होगा पर फिर भी अगर किसी का मैथ बहुत ज्यादा वीक है उनको भी साथ लेके चलना है तो वो दूर कर ले। मल्टीप्लाई के भी देख लो, मल्टीप्लाई के भी देखो, जैसे 5 इंटू 3 है, माइनस का 5 इंटू 3 है, ठीक है, माइनस का 5 इंटू में माइनस का 3 है और 5 इंटू में माइनस 3 है। ठीक है, ये बनते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई तो सबका ही होता है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15। इसमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है। इसमें क्या करना, अगर दोनों एक जैसे हैं तो प्लस में आएंगे, जैसे दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा। ठीक है, दोनों माइनस है तो प्लस में आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस में आएगा, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस में आएगा। अगर तीन संख्याएं आ जाती हैं, जैसे माइनस थ्री और माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू, तो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा, पाँच या पंद्रह दूंगी तीस, फाइव थ्री या फिफ्टीन टू या थर्टी। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, और क्या बचा हुआ तुम्हें, माइनस तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो वैसे तो सबको आता ही है पर फिर भी हमने पढ़ लिया थोड़ा सा तो कोई बात नहीं। देखो आगे की क्वेश्चंस।
आगे के फॉर्मूलाज, ठीक है, आगे के फॉर्मूलाज में हम देखो क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, और ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, ए प्लस पढ़ लेते हैं पहले, ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ये बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, इसमें प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, क्लियर? चलो नोट कर लिया सबने, नेक्स्ट देखो, ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ये थोड़ा जो है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी और इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और विद इन ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है, इसको कर लो नोट, ठीक है, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आगे देखो, इसमें अगर देखो इसमें कंडीशन आ जाती है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, इसको हम कर लेंगे जीरो, इसको हम क्या कर लेंगे जीरो, इसको जीरो कर लेंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो जीरो, तो राइट हैंड पे हो गया सारा जीरो, तो क्या बचा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो, लिख लेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, थ्री ए बी सी, ये आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, कब इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है तो ये आ गया, क्लियर, नोट करो जल्दी से, क्लियर सर, चलो इसमें कुछ और चीजें आती हैं, उससे पहले हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को, इस फॉर्मूले के सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, अच्छा अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि a प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस में b माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल शायद इसी पे आ रहे हैं, एसएससी के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं इस पे, कि कोई एग्जाम होता होगा जिसपे जिसमें इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसमें क्या है कि एक ही पर्टिकुलर नंबर है, वैसे तो ए एक नंबर है लेकिन ए प्लस टू भी एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसके स्क्वायर को हमने जोड़ा एक दूसरे नंबर बी माइनस टू के स्क्वायर के साथ और ये बराबर हो गया जीरो के, तो ये कब संभव है, अगर मैं तुम्हें कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये कब संभव है, कब पॉसिबल है, ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होता है, वरना ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, देखो क्यों संभव नहीं है, देखो देखो यहां पे मैं एक ही जगह पर कोई भी नंबर रखता हूं, चलो एक जो है सिंगल लेते हैं, ये बराबर जीरो है, ये बराबर जीरो है, यहां पर एक ही जगह पर कोई भी नंबर रख के देखो, एक ही जगह पे मैंने रखा एक, एक प्लस दो और दो यानी कि तीन का स्क्वायर क्या हो गया, नौ, मैंने रखा यहाँ पर क्या, मैंने रखा यहाँ पर दो, तो दो प्लस दो बराबर
कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर बराबर 16। मैंने रखा यहाँ पर -3, -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर बराबर -3 और -2 यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर बराबर 0 तो नहीं आता 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस रख लो या माइनस रख लो, एक ही जगह प्लस रख लो या माइनस रख लो, कभी भी वैल्यू 0 तो नहीं आती। 0 केवल एक ही कंडीशन में संभव है, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, ए प्लस टू का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर 0 रहेगा, एक्स बराबर 0 रहेगा, क्योंकि एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू रखोगे, एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 0 नहीं आएगा, -1 रखोगे तो -1 का भी स्क्वायर 1 आएगा, -2 रखोगे तो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा, यानी कि कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब x की जगह पे 0 लग गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट सबके स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है तो सबकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस ब्रैकेट की भी वैल्यू 0 होगी, इस ब्रैकेट की भी वैल्यू 0 होगी। तो a माइनस टू, a प्लस टू बराबर भी 0 रखेंगे, तो a बराबर माइनस टू और b माइनस टू बराबर भी 0 रखेंगे और b बराबर प्लस टू। क्लियर सबको? तो अगर ये कभी ये वाली वैल्यू कह दे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। क्लियर सबको? जैसे a प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताओ। आसान सा सवाल है, तो क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 के है, तो ये भी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, जो हमने भी पढ़ा। तो क्या लिख लेंगे, a प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू माइनस टू, b माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू प्लस वन, और सी माइनस वन, सी माइनस थ्री जो इज इक्वल्स टू 0, तो सी इक्वल्स टू 3। ए की जगह माइनस टू, बी की जगह 1 और सी की जगह 3, तो माइनस टू प्लस 1 और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 3 और 1 4 में से 2 गए, तो क्लियर सबको? शॉर्टकट पढ़ लेंगे अभी, पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट हम पढ़ेंगे, अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो अभी फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। इनके शॉर्टकट मेथड भी होंगे, बिना पेन उठाए भी निकलेंगे, लेकिन अभी हम फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे मैं अगर तुम्हें एक सवाल दे दूं, तो करके देखो जरा, ऐसे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसमें एक पूरी क्लास इस फॉर्मूले पे पढ़ाई जा सकती है, पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y और प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस में 8 इक्वल्स टू 0, तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में चेंज करना है। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में तो चेंज नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई नहीं होता। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 प्लस 4। डिटेल में हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, अभी बस मैं करा रहा हूँ तुम्हें कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा। एक को इसके साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, एक को y के साथ लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y और बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में ऐसी y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 0। फिर से बता दूं, इसके शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, हम पढ़ेंगे लेकिन अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 और y इक्वल टू भी आएगा माइनस 2। ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ तुम्हें, इसे अपने आप कर लेना।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई और प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। इसको कर लेना, कैसे करोगे ठीक है, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो डिटेल में पढ़ लेंगे। और उसमें तुम्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। क्लियर सबको? चलो कर लेना, बाकी जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तब है, अभी हम केवल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फॉर्मूले को दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का होल प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये बराबर भी जीरो, ये बराबर भी जीरो और ये बराबर भी जीरो, क्योंकि तीन संख्याओं के वर्गों का योग जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस की संख्या लोगे तो भी वो प्लस की हो जाएगी वर्ग करते समय, स्क्वायर करते समय। तो इसका मतलब अगर ऐसे कभी आता तो ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो, एक कुछ एक फॉर्मूला ये आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। चलो पहले इससे पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? ये पढ़ा था हमने। इसमें हमने फिर पढ़ा था इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो हमने पढ़ लिया था फिर आगे जो भी कंडीशन, तो उसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। हमने भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन उसने दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc, तो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन a b एंड c, तो a b और c के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, क्या दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ये। हमने पढ़ा था अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाए तो ये इसके बराबर होता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि ना a प्लस b प्लस c बराबर नहीं है 0 के और ये बराबर है, तो भैया कैसे करें, जो पढ़ते आ रहे हैं वही उसने कह दिया यही बराबर नहीं है। तो अगर ये वाला सवाल पेपर में आ जाए तो देखो हम जरा क्या करेंगे, बोर्ड पे स्थान थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने ये चीजें मिटा दी हैं। हमें ये तो पता है उसने कहा ये जीरो के बराबर नहीं है, और ये भी कह दिया कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइन बराबर 3abc है, तो इसका मतलब होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और माइनस 3abc बराबर जीरो के हैं, ये दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया, प्लस से इधर जाकर माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये जीरो के बराबर है, और वो कहता है ये जीरो के बराबर नहीं है, इसकी और इस ब्रैकेट की गुणा करके जीरो आता है, ये तो दिया ना, ये जीरो के बराबर है, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो के बराबर, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये जीरो के बराबर होगा, तभी दोनों का गुणा करके जीरो आएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं में से अगर एक भी जीरो है तो मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये जीरो के बराबर होगा। बस हमारे पास मिल गया इसका हमें एक क्लू, उस क्लू को निकल कर देते इसको सोल्व, तो हम क्या लिख लेंगे, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये जीरो के बराबर है, तो इसको जीरो के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो, ये रख दिया हमने जीरो के बराबर। अब किसी भी इक्वेशन को जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो सुन लो, किसी भी इक्वेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने से उसकी वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में
किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उसके मान में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, दो से ही क्यों मल्टीप्लाई करना, दो से मल्टीप्लाई क्यों करना, इसके लिए थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा, थोड़े लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो भी रट लो। इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a² + 2b² + 2c² और -2ab और -2bc और -2ca इक्वल्स टू 0। तो 2a² को, 2a² को हम लिख सकते हैं a² + a² बराबर होता है 2a², तो इसको लिख लिया मैंने a² + a² + b² + d² + c² + c² और -2ab और -2bc और -2ca इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्लियर? चलो, a² + b² और -2ab यानी कि हो गया a - b का होल स्क्वायर। और चलिए, और प्लस में अब ये देखो b² + c² और माइनस में 2bc बराबर हो गया b - c का होल स्क्वायर और ये c² + a² और -2ca c² + c - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अभी हमने पढ़ा था पिछले फॉर्मूले में, अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, तो a - b बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा b, ऐसे b - c बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा c, और ऐसे ही c - a बराबर 0, तो c बराबर आ जाएगा a, तो a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो क्या रिलेशन आया ABC में, तो a बराबर हो गया b के और b बराबर हो गया c के। तो अगर ये वाला सवाल दे देता है वो कि a³ + b³ + c³ - 3ab इज इक्वल्स टू 0, इफ ऐसे देगा, इफ a³ + b³ + c³ - 3ab इक्वल्स टू 0, ऐसे भी दे सकता है या बराबर 3abc भी दे सकता है, दोनों में से कैसे भी दे सकता है। तो मैं लिख देता हूं इसको बराबर 0, एंड a + b + c इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिलेशन बिटवीन a, b and c फाइंड आउट करना था आपने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको ऐसे फॉर्मूले को पढ़ा था हमने, इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था, उसने कहा a + b + c बराबर 0 नहीं है, लेकिन ये पूरा 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर होगा, इसको 0 के बराबर रख दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लिया, तो क्या आ गया a + b = b = c। क्लियर? चलो, तो हमने दो चीजें पढ़ ली, क्या क्या बता देता हूँ अभी शॉर्ट में, थोड़ा फॉर्मूला क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे लग नहीं रहा था इतनी लंबी होगी क्लास, लेकिन हो गई है, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, कुछ लोगों की शिकायत थी कि हाँ मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, मुझे भी याद आया, चलो मैं थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल्स टू ये होता है, और इसमें अगर इफ a + b + c बराबर 0 हो जाए तो ये बराबर 0 हो जाएगा, या मतलब और ये बराबर 0 हो जाए तो a बराबर, इफ a² + b² + c² -ab - bc - ca बराबर 0 हो जाए तो a बराबर b बराबर c होता है। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, और जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज और पढ़ ली, ये नीचे वाला, कि अगर हमारे पास ये हो जाए कि a² + b² + c² - ab - bc - ca बराबर 0 हो जाए, a = b = c होता है। क्लियर सबको? ये अभी एक बार और यूज होगा, इससे पहले एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अब एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, उसने दिया था ऐसे ऐसे कुछ कि a = 33, b = 33, c = 34, उसने कहा
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताओ। बस सर ये पूछ लिया उसने। कुछ लोगों ने रखा ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। और कोशिश की कि इसको सोल्व कर ले, तो ये सोल्व नहीं हुआ। या हुआ भी तो बहुत ज्यादा समय इसमें लग गया। अच्छा देखो, अभी हमने पढ़ा किसी भी इक्वेशन को अगर हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किसी भी नंबर को सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा 5, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो जरा, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो सेम रहेगी। क्लियर? तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस 2bc और माइनस 2ca और डिवाइडेड बाय क्या गया 2। और इसको लिख सकते हैं 1/2 और विद इन ब्रैकेट, ये इसको अभी हमने सोल्व किया था पिछले उसमें, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला क्या बन गया कि ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब बना फॉर्मूला हमारा तो याद करना कर लेना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 1/2 विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बन गया नया फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया हमें, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है जिन्हें ये यहाँ कैसे पहुंचा समझ में नहीं आया, और पिछले वाले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, वहां पर यही था इतना, और इसको हमने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, और ये 2/2 में है, इसको हमने पहले ही 1/2 जोड़ी किया। चलो बस हो गया सवाल, अब तो मैं फॉर्मूला मिल ही गया, तो बहुत आसान है, अब तो ये इतना आसान हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ। चलो देखो, बस ये उसने पूछा है, सॉरी ये उसने पूछा है, तो हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये और ये बराबर होता है इसके, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दो, तो 1/2 और विद इन ब्रैकेट ए की जगह रख दिया हमने 33 और माइनस 33, तो ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, बी की जगह रख दिया हमने 33, सी की जगह रख दिया 34, ये आ गया -1 और -1 का स्क्वायर, और सी की जगह रख दिया हमने 34 और ए की जगह रख दिया हमने 33, 34 - 34 या 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0 + 1 + 1, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 × 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस कितना आ गया 1। बहुत आसान था, नोट कर लो जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। चल इस फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक जगह और काम आएगा। चलो देखो, इसको तो अभी ऐसे रहने देते हैं, अभी फिर वापस पिछले वाले फॉर्मूले पे जाते हैं। हमने पढ़ा था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ओ प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? चल देखिए, तो यहां तक हमने पढ़ा था, अभी देखो हमने क्या पढ़ लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर किसके होता है, इसके। तो ये ना देखो, ए की क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसकी जगह हटाकर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो रखो जरा, तो ये रहेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी जगह रख देंगे 1/2 × 1/2
और विद इन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे तो याद आएगा हमें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जिकल्स टू 1/2 को लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1/2 और तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बराबर विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। इस पे आ चुके हैं दो तीन बार, कई बार दो तीन तरह के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो बहुत बार आए हैं पर दो तीन तरह के क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। एक करा देता हूँ मैं, चलो अब जैसे इसको तो हटा देते हैं, चलो देखिए अब उसने दिया, मान लो उसने दिया ए इक्वल्स टू 333, बी इक्वल्स टू 333 और सी इक्वल्स टू 334। उसने पूछ लिया ये बताओ कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है ये बराबर किसके होगा इसके, तो इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ए प्लस बी की प्लस सी 333 334 और यहाँ रख देंगे इसको विद इन ब्रैकेट 333 माइनस 333 का होल स्क्वायर प्लस में 333 माइनस 334 का होल स्क्वायर और प्लस में 334 माइनस 333। इसमें 334 माइनस 333 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, हो गया बस, तो जाएगा 1/2 और सबको जोड़ देंगे तो 1000 और यहाँ आ जाएगा ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा इनटू में 0 प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आंसर हमारा 1000 विल बी द आंसर। क्लियर, इसको वैसे और शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे पिछ अगर उसने ये दिया है, ये दिया है लगातार, चलो इसको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले पे ध्यान रखते हैं, शॉर्टकट को जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो तब पढ़ लेंगे, अभी फॉर्मूले पे ध्यान रखो, अभी हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे। क्लियर सबको, चलो फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलाज को जिन्हें सिलेक्शन चाहिए इन सारे फॉर्मूलाज को वो याद कर लें, एकदम से चीज़ें याद नहीं होती, आप सोचो कि आज आप रात को बैठ जाओ और अल सुबह तक इनको याद कर लो, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप याद कर लो, लेकिन इनको माइंड में रिटेन कर पाना, एक बार याद करके माइंड में रिटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, नामुमकिन तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम क्या करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस मिलेंगी इन फॉर्मूलाज को, रेगुलर प्रैक्टिस मिलेंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे फॉर्मूलाज लिखे, एक सेपरेट कॉपी बनाए उनमें सारे फॉर्मूलाज लिखे, अपने रूम की दीवारों पर दीवार पर फॉर्मूला का एक चार्ट बनाए, अब तो बहुत आसान है प्रिंट आउट निकालें, ठीक है उसको पेस्ट करें, तो कैसे भी करके टच में रहना है। ठीक है, कैसे भी करके टच में रहना है। ये फॉर्मूलाज अकेडमिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो ये वाली क्लास अपने किसी छोटे भाई को छोटी बहन को और स्टूडेंट्स को जो भी 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में 9th में 10th में हैं उनको भी ये वाले फॉर्मूलाज आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं और मैंने इनको बेसिक फॉर्मूलाज की तरह ही पढ़ाया भी है, तो इन फॉर्मूलाज को पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ बच्चे
जिन्होंने रेगुलर क्लास लेना शुरू कर दिया है तो माय डिटर्मिनेशन इज बीइंग स्ट्रांग कि हाँ मैं रेगुलर क्लासेस लूँ। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं चाहिए कोई मॉनिटरिंग बेनिफिट्स, बस ये है कि उन बच्चों तक ये क्लासेस पहुँच जाएँ जिनको एक्चुअल में नीड है, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं उन तक ये क्लासेस पहुँच जाएँ। ये बिल्कुल फ्री बैच है और मैं इतने आराम से इस मैथ्स को पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि तुम आराम से कोई भी अप टू एसएससी ग्रेजुएट लेवल का मेंस तक का कोई भी एग्जाम देने जाएं तो आपको 45 प्लस मार्क्स मिल जाएं आसानी से, ठीक है। 50 की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। 50 एक मिथ है, वो कैसे मिथ है वो मैं आने वाली क्लासेज में बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें कि टीचर ही ऐसे कह रहा है कि यार 50 तो मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं है, 50 आ सकते हैं, आते भी हैं बहुत सारे बच्चों के, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहता हूँ आपसे कि तुम सभी बच्चे, मैं इन जनरल बात करता हूँ, जनरल का मतलब कि जो सामान्य बच्चा है वो 45 प्लस मार्क्स ले आएगा। तो ये हो सकता है 50 भी ले आओ, 49 ले आओ, 45 प्लस का मैं 50 भी आता है, ठीक है। तो 45 प्लस के लिए हम टारगेट करके चलेंगे आउट ऑफ 50। पढ़ते रहिए इस इनको और इस वीडियो को, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, करिए, लाइक करना है, करिए, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये मैं जरूर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। बहुत नॉर्मल वे में पढ़ाता हूँ मैं और नॉर्मल वे की ही जरूरत है, ठीक है। ये जो मुखर्जी नगर जैसी क्लासेस में जो भोकाल मचा रखा है टीचर्स ने, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसी वजह से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन भी हैं एक दो, उनके भी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। शायद रात के 12 बज रहे हैं और मैं पूरे दिन थकने के बाद भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल इसी वजह से जिससे कि जरूरतमंद लोगों को ये मिल सके। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है कि मैथ्स में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, धीरे धीरे पढ़ेंगे आ जाएगा। मुखर्जी नगर के भोकाल से बचने की जरूरत है। मुखर्जी नगर में टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं वो जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। मैंने देखा है उनकी एक दो क्लासेज, मैंने यूट्यूब पर चेक करने की कोशिश की है, कई टीचर्स तो बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, इतने फेमस टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं कि वो उसको -2 को सम संख्या बता रहे हैं, ठीक है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का जो नियम है, उसको गलत पढ़ा रहे हैं। बहुत जो जिनको आप ए ग्रेड के टीचर्स कह सकते हो उनको, मैंने ये पाया है मुखर्जी नगर या जितने भी यूट्यूब पर और इधर उधर जहाँ पर भी टीचर्स पढ़ रहे हैं, मैंने ये पाया है कि टीचर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं कि मैं किसी से अलग क्या पढ़ाऊँ, क्लास चल रही है एसएससी की, पढ़ा रहे हैं वो उसका CDS का क्वेश्चन कि CDS के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अरे भैया, CDS के पेपर में आया था, SSC की क्लास में क्यों पढ़ा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास में क्यों पढ़ा रहे हो। बस हर टीचर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं फलाने टीचर से क्या अलग पढ़ा रहा हूँ, मैं फलाने टीचर से क्या अलग पढ़ा रहा हूँ, जिससे बच्चे जाते हैं, अच्छा यार ये तो उस टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ये तो मुझे उस टीचर ने नहीं पढ़ाया था, इसने तो ये भी पढ़ाया, तो ये टीचर तो बहुत अच्छा है, इसे तो बहुत कुछ आता है। मैं बताऊँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस इतना आता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा भोकाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 45 प्लस का टारगेट रखना है, भले ही तुम्हारे 50 आए या 49 आए, 45 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक है। मेहनत करनी है, मुझे भी खुद, मैं भी खूब मेहनत करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करोगे तो जैसे इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, इन्हीं सारे फॉर्मूला से हुए, इन्हीं सारे क्वेश्चन से हुए हैं, और जो पेपर देने जाओगे तो पाओगे कि इनसे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बीच में मैं एक दिन ये भी बताऊंगा आपको कि कुछ लोगों की ये क्वेरी थी कि सर वो रीजनिंग की क्लास, तो रीजनिंग की क्लास भी कोशिश करते हैं बहुत जल्दी स्टार्ट करें, और एक दो क्लासेज मैं जीके के बारे में, मैं जीके पढ़ाऊंगा तो नहीं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन हाँ मैं जीके ये जरूर आप लोगों को एक दो क्लासेज के बाद में बता दूंगा कि जीके को पढ़ना कैसे, ठीक है। चलो तब तक ये भाषण साफ हो रहा है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। सबको, चलिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, लाइक करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।